दोस्तों रमेश ने एक पत्थर उठाया और एक टाइगर को दे मारा। टाइगर उठकर रमेश की तरफ आया, लेकिन रमेश ने फिर से टाइगर को पत्थर मारा। अब टाइगर बहुत गुस्से में आ गया था और रमेश की तरफ दहाड़ा। दहाड़ सुनकर सब लोग इधर उधर भागने लगे। रमेश को टॉयलेट आ गया और वो बाथरूम में जाकर टॉयलेट करने लगा, लेकिन उसे बाहर लोगों की आवाज सुनाई दी। जब उसने बाहर निकलकर देखा तो लोग इधर उधर भाग रहे थे। उसको समझ में नहीं आया कि क्या हो रहा है। रमेश ने जब आगे बढ़कर देखा तो उसे वही टाइगर नजर आया जिसको रमेश ने पत्थर मारा था। रमेश ने अपना फोन निकाला और 911 को कॉल लगाया, लेकिन रमेश कुछ बोल पाता तभी टाइगर रमेश की तरफ दहाड़ने लगा। रमेश ने फोन नीचे रखा और अपनी जान बचाकर वहां से भागा, लेकिन टाइगर ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। रमेश एक जाली के ऊपर से कूद गया और फोन पर पुलिस को बुलाने लगा, लेकिन टाइगर जाली पर चढ़ने की कोशिश कर रहा था। तभी कुछ लोग बंदूक लेकर वहां पर पहुंचे। रमेश छुपा हुआ था, लेकिन टाइगर अभी भी उसके पीछे खड़ा हुआ है। आदमी ने टाइगर को निशाना लगाया, लेकिन टाइगर रमेश का काम तमाम करके जाली से कूद गया और अपना बदला पूरा किया।